हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर में जगह जगह हुए कार्यक्रम प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी की शिरकत। धूमधाम से मनाया गया जिले के सांसद नकुलनाथ का जन्मदिन कांग्रेस भवन में काटा गया केक तो कार्यकर्ताओं ने जगह जगह सेलिब्रेट की सालगिरह। शहर के बजरंग नगर में जुए की फड़ पकड़ाई तेहा थाना पुलिस ने मारी रेड 5 लाख का माल जब्त। और शहर के आरोग्य हॉस्पिटल में कैजुअलिटी मरीजों के लिए शुरू की गई इमरजेंसी ट्रामा सुविधाएं अब गंभीर मरीजों को नहीं होना होगा परेशान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला मुख्यालय पर बुधवार को योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें जिला कलेक्टर शीतला पटले प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने भी शिरकत की और योग किया। गौरतलब है कि भारत में योग की परंपरा 5000 साल पुरानी है। 11 दिसंबर 2014 को भारत ने यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में दिया था और 21 जून का दिन योग दिवस के रूप में निर्धारित किया गया जिसके बाद भारत दुनिया का विश्व गुरु बन गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 21 जून को 9वां योग दिवस हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योगा हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और सदा सदा से हमारे जीवन का हिस्सा रहा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आवश्यक है कि न सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बल्कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अपने शरीर का, क्योंकि हमारा शरीर हमारा मंदिर भी होता है और यदि स्वास्थ्य अच्छा रहे तभी अन्य कार्य भी जीवन के सफल और अच्छे रहते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है कि हम सदा योगा करें। तो इस आशा के साथ कि हम अपने दिनचर्या में रोज में योगा को शामिल करेंगे आप सभी को 9वें योग दिवस की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश की संस्कृति की पहचान सैकड़ों वर्षों से हजारों वर्ष पुरानी यह परंपरा योग जो ऋषियों से मुनियों ने ईजाद किए और शरीर को स्वस्थ रहने के लिए योग की बहुत आवश्यकता है। आज योग को पूरी दुनिया ने अपनाया है। हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को लेकर के प्रयास किया और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। पूरी दुनिया में योग मनाया जा रहा है।
मैं इस योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो सभी से अपील करता हूँ कि निरंतर योग करें, क्योंकि आज आवश्यकता है स्वस्थ रहने की, मस्तिष्क से स्वस्थ रहने की। अगर मस्तिष्क से और शरीर से दोनों से कोई स्वस्थ रह सकता है वो योगी रह सकता है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिले के सांसद नकुलनाथ का जन्मदिन कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उत्साह से मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में एक जन्मदिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी धर्मावलंबियों ने हिस्सा लिया और सांसद की स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना की। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में केक काटकर सांसद नकुलनाथ को जन्मदिन की बधाई दी गई। और खेती स्वयं करेंगे तो खेती होगी, दूसरे के भरोसे अगर खेती छोड़ दी जाए तो नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार पिता के धर्म से, यानी पिता जो अच्छे कर्म करते हैं उससे पुत्र की उन्नति होते हैं। पिता कौन है? बोले हनुमान जी के परम भक्त हैं। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी जो है रामायण में पांच पात्र हैं जिनके प्राण हैं। पांच ऐसे पात्र हैं, उसमें एक पात्र हैं राम जी स्वयं, एक पात्र सीता जी हैं, एक पात्र जो है वो भरत जी हैं, एक पात्र सुग्रीव हैं। ऐसे ही पात्र हैं। पांच प्रकार की प्राण वायु हमारे शरीर में चलती है, प्राण अपान समान व्यान उदान, ऐसे ही पांच पांच के क्रम हैं। तो जिस प्रकार हनुमान जी जो हैं पांच प्रकार के जो ईश्वर तत्व है, राम तत्व है, उनके भी प्राण रक्षक हैं, ऐसे हनुमान जी के जो कृपा पालक शिष्य हैं, उनकी जो कृपा जिनके ऊपर होती है, ऐसे हमारे कमलनाथ जी के बालक रघुनाथ जी, आज उनका जन्मदिवस है। पिता का जो संस्कार होता है, माता के जो संस्कार होते हैं बच्चों में आते हैं और उसी से व्यक्ति आगे बढ़ता है। कि उस लायक हैं हम। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक साहिब लौला के सदके रुपये में और हजरत भैया की अताउल्ला शाहमतुल्ला के सदके रुपये में हमारे सांसद हर दिल अजीज नकुलनाथ जी की उम्र में इजाफा फरमाए और उनको हर बीमारी बला से महफूज और मामून अता फरमाए और हमारे उनके हिंदुस्तान में अमन सुकून अता फरमाए। जैसा कि नकुलनाथ जी या कमलनाथ जी की सोच है, इस सोच पर हम सब हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम अरदास करेंगे। तेरी रास रहन तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास अरदास एक ओंकार से वाहिगुरु जी की सहाय वार श्री भगवत जी की पात सहित स्वयं प्रथम भगवती सिमर गाय गुरु नानक नई ध्याए फिर अगत गुरु तेग अरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन गोविंद रास सिमरा श्री हृदय कि मैं ईश्वर के विषय में ही कहता हूँ कि वो मेरा सर्वस्थान मेरा कण, इसलिए मैं उस पर भरोसा रखूंगा क्योंकि वो मेरे द्वारा मानवता की सेवा करेगा। प्राप्त हो और अपने पिता के अनुरूप इस छिंदवाड़ा का नेतृत्व करें और पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करें। उनकी ऊर्जा उनकी शक्ति का उपयोग हम छिंदवाड़ा में लगातार होते रहे, ये हम सब मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार माननीय कमलनाथ जी को इंदिरा जी ने तीसरे पुत्र के रूप में छिंदवाड़ा को सौंपा था, उन्होंने अपनी सेवा देकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उसी प्रकार पिछले बार हमारे छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं की आवाज थी, सब वरिष्ठ नेताओं की आवाज थी, सबका आग्रह था कि नकुलनाथ जी को छिंदवाड़ा को आप सौंपे। छिंदवाड़ा में उन्होंने अपनी सेवाएं देकर सांसद के रूप में हमें निर्वाचित किया। साथियों बड़े भैया नकुलनाथ जी के जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि आज अपने बिल्कुल दिल की गहराइयों से हमारे सांसद महोदय आदरणीय नकुलनाथ जी के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए उनके दीर्घायु के लिए हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। भगवान से हम आशीर्वाद चाहते हैं कि जिस तरीके से आदरणीय नकुलनाथ जी के रूप में सच्चे सेवक और जनसेवक के रूप में आपने हमें छिंदवाड़ा
में नेतृत्व दिया है। आदरणीय नकुलनाथ जी हमेशा स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और छिंदवाड़ा की सेवा करते रहे और हम सबका नेतृत्व करते रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और अंतिम दो लाइनों के साथ जो बधाई प्रेषित करना चाहता हूँ कि सस्ती रहे खुशियों की महफिल, सस्ती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, जिंदगी में आप इतने खुश रहे कि खुशियाँ भी आपकी दीवानी रहे। जय देहात थाने की पुलिस टीम ने गुरैया बजरंग नगर में चल रहे जुआ फट पर रेड डाली। यहां से 8 जुआरियों को दबोचा गया जिनमें 1,21,180 रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने फट से 9 महंगे मोबाइल, 6 मोटरसाइकिल सहित कुल 5,51,000 का माल जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देशन में छापामार टीम में देहात TI GS उइके, प्रधान आरक्षक लीलाधर कुसमरिया, अरुण शर्मा, योगेंद्र पेलवंशी, चालक प्रधान आरक्षक विजेंद्र कुसरे, आरक्षक सुनील परते, सौरभ सलामे, गजानंद मर्रापे, ओमवीर जाट, मैनसी उइके शामिल थे। ये कल रात में करीबन 9 बजे विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि बजरंग नगर में जो है प्रशांत अलोनकर के कृषि फार्म में पिछले एक हफ्ते से जुआ चल रहा है। तो सूचना पर चूँकि बंद जगह थी तो हमने CSP मैडम के यहाँ से सर्च वारंट जारी करवाया और सर्च वारंट लेकर के स्टाफ को साथ में लेकर के और दबिश दिया था। तो अलोनकर के कृषि फार्म में 8 लोग जो है जुआ खेलते मिले। उनके पोजीशन से ताश के पत्ते, इसके अलावा टोटल सभी जुआड़ियों से मिलाकर के 1,21,180 रुपये जब्त हुए थे। 9 मोबाइलें उनकी जब्त की गई हैं जो करीबन 1,30,000 की होती हैं और 6 मोटरसाइकिलें भी जब्त किए हैं जो करीबन 3 लाख रुपए की हैं। टोटल मसरूका उनसे 5,51,180 रुपए का जब्त हुआ है और ये जुआ घर के रूप में उपयोग में आ रहा था, इसलिए इसमें 3/4(13) जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई है। कितने आरोपी इसमें से? इसमें 8 आरोपी हैं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स, नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लेमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली 32, मुंह में पाए जाने वाली गांठ
छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज। शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शहर के आरोग्य हॉस्पिटल ने बुधवार से शहरवासियों के लिए सुविधाओं में और इजाफा करते हुए अपने यहां कैजुअलिटी एवं इमरजेंसी ट्रामा सुविधाएं शुरू की है। आरोग्य हॉस्पिटल के संचालक दीपक खंडेलवाल ने बताया कि हॉस्पिटल ने गंभीर एक्सीडेंट के मरीजों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही ट्रामा सेंटर, एक्सरे, सोनोग्राफी एवं सिटी स्कैन की सुविधा प्रदान की है, जिससे गंभीर मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। दीपक खंडेलवाल ने बताया कि आरोग्य हॉस्पिटल शहर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार प्रयास करते हुए शहरवासियों के लिए नई नई सुविधाएं लेकर आया है। आज आरोग्य हॉस्पिटल छिंदवाड़ा ने जिले को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जिसमें जिले की पहली ग्राउंड फ्लोर पर कैजुअलिटी हमने दी है, जो ट्रामा सेंटर और एक्सीडेंटल केयर के लिए काम करेगी। किसी भी प्रकार के क्रिटिकल मरीज, डे केयर की व्यवस्था, पल्मोनरी व्यवस्था और सभी प्रकार के इमरजेंसी केयर ग्राउंड फ्लोर पर, इस तरह की अपनी पहली व्यवस्था है, जिसमें 8 बेड की सुविधा हमने एक्स्ट्रा प्रदान की है हॉस्पिटल की। इमरजेंसी सुविधा के अलावा किसी भी प्रकार की इमरजेंसी यहाँ पे अटेंड होगी, 24 घंटे डॉक्टर यहाँ मिलेंगे। सबसे बड़ी बात हमारी इस यूनिट में यह रहेगी कि यह ग्राउंड फ्लोर पर है, तुरंत कार्रवाई, तुरंत इलाज यहीं पर, एक्सरे की सुविधा, माइनर ओटी की सुविधा और साथ में इन हाउस सामने के सामने सीटी स्कैन की सुविधा, ब्लड जाँच की सुविधा, सभी एक ही फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर उपलब्ध है। ये इस तरह की अपने जिले की पहली व्यवस्था है जो हम छिंदवाड़ा को देने जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में चिकित्सा क्षेत्र में निरंतर इसी तरह आगे काम करते रहेंगे, यही हमारे। जिला युवक कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश चौहान एवं शहर युवा कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष के नेतृत्व में छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा कार्य किए। इस अवसर पर कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता सांसद के जन्मदिन पर उत्साहित दिखे। कार्यकर्ताओं ने आधार फाउंडेशन पहुंचकर निःशक्त और नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच सांसद का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर कांग्रेस संगठन द्वारा समस्त निःशक्त बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की गई और अपने हाथों से खाना परोसकर सेवा कार्य कांग्रेस परिवार द्वारा किया गया। आज माननीय नकुलनाथ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शहरी युवक कांग्रेस, जिला युवक कांग्रेस एवं ग्रामीण
ब्लॉक कांग्रेस वार्ड नंबर 48 एक के सभी पार्षद और समस्त कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ दिशा निशक्त स्कूल आधार फाउंडेशन में यहाँ पर माननीय नकुलनाथ जी का जन्मदिन छोटे छोटे नन्हे नन्हे दिशा निशक्त बच्चों के बीच में मनाया गया, जो कि केक काटकर उन्हें बधाइयाँ दी गई एवं उनके लिए यहाँ पर संपूर्ण भोजन की व्यवस्था हमारी पूरी समिति ने की है। और आज ये छोटी छोटी खुशियाँ हम माननीय नकुलनाथ जी की लंबी आयु के लिए इन छोटे से छोटे छोटे बच्चों के बीच में मना रहे हैं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे छिंदवाड़ा के एक लौते सांसद आदरणीय नकुल भैया, जो हमारे छिंदवाड़ा के विकास के लिए निरंतर लगे रहते हैं, उनकी आयु लंबी हो, ऐसा हम ईश्वर से कामना करते हैं। यहाँ लगभग 75 बच्चों का स्टाफ है और हमारी समिति में ऐसे 150-200 लोगों का हमने यहाँ भोजन की व्यवस्था की है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाटिका में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह से मनाया गया। शहर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाटिका प्रांगण में भवानी योग ग्रुप के द्वारा योगाभ्यास किया गया, जिसमें विभिन्न आसन, सूर्य नमस्कार, बच्चों के द्वारा म्यूजिक पर योगासन का अभ्यास किया गया। इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद दिवाकर सदारंग, भाजपा नेता रोशन सिंगनापुरे, रेखा मगले, योग शिक्षिकाएं अनिला पवार, लक्ष्मी आलोनकर, संगीता घटकड़े, मालाबाग कुसुम कराड़े, कांता बानखेड़े, वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। माथे को जमीन से टिकाइए, हाथ सीधे सामने, पूरे हाथ सीधे सामने, शशकासन, खरगोश की अवस्था में बैठे हैं आप लोग, सब लोग शशक है ना, खरगोश, खरगोश की स्थिति में, जैसे खरगोश बैठता है वैसे झुकिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भवानी योगा ग्रुप के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाटिका में सभी ने मिलकर आज योग का कार्यक्रम संपन्न कराया। इस अवसर पर हमारे वार्ड के पार्षद दिवाकर सदारंग जी, हमारी योगा ग्रुप की सभी बहनें श्रीमती रेखा मंगले जी, श्रीमती विमल शेरके जी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी मातृशक्तियों ने गरबा नृत्य के जरिए, म्यूजिक के जरिए योगा का अभ्यास यहाँ पर कराया। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भी कहा गया था कि हर जगह योग करें और निरोग रहे के आह्वान पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएन में योगा के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि योग हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसी तारतम्य में आज हमने यहाँ पर योग किया। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं योग की, धन्यवाद, जय श्री राम। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के दो विद्यार्थी शफक अली 94.4%, द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2%, तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम, 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म, आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास बालाजी पब्लिक स्कूल। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेंज डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्ले ग्राउंड, तो
रेस्टोरेंट, कब पार्टी हेतु लॉन क्लब। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क चांद रोड बिजली पावर हाउस के सामने सारसवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सांसद नकुलनाथ के जन्म दिवस को कांग्रेस ने सेवा कार्य दिवस के रूप में मनाया। नगरपालिक निगम सामान्य प्रशासन के सभापति राहुल मालवीय द्वारा लाइब्रेरी में कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवाओं को निशुल्क पुस्तकें प्रदान की गई। इससे युवाओं को कंपटीशन एग्जाम देने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, सामान्य प्रशासन सभापति राहुल मालवीय, नगर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष पप्पू यादव, गुरुचरण खरे सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। चाहे वह बैंक की हो, SSC हो, रेलवे हो, PSC हो, GDT हो, सभी यहाँ पर पुस्तकों का एक भेंट माननीय नकुलनाथ जी मैडम को भेंट की। सांसद नकुलनाथ जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर हमारे जो राहुल मालवीय जी हैं सामान्य प्रशासन विभाग के सभापति नगर निगम छिंदवाड़ा के, उनके द्वारा हमारे जो बच्चे कंपटीशन में जाते हैं चाहे वो पटवारी को हो चाहे JEE का हो, ये जितने भी कंपटीशन होते हैं उनसे संबंधित पुस्तकें आज उन्होंने यहाँ लाइब्रेरी में नगरपालिका निगम की लाइब्रेरी में दिया है। और निश्चित रूप से इससे हमारे जो बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं उनको पढ़ने के लिए सुविधा प्राप्त होगी और उनको ये हम ऐसे बच्चों को निश्चित रूप से माननीय नकुलनाथ जी भी प्रोत्साहित करते हैं, माननीय कमलनाथ जी भी प्रोत्साहित करते हैं और एक अच्छा काम हमारे राहुल मालवीय जी ने किया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। परासिया ब्लॉक की भीमसेन घाटी की ग्राम पंचायत मायावली में अनुसूचित जाति समाज के एक परिवार को प्रताड़ित करने की शिकायत लेकर जय भीमसेना सामाजिक संगठन के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव के मंगल सिंह बरखा, जवर सिंह बरखेड़ा और विजय लाल बरके की पुश्तैनी जमीन पर जीत सिंह यादव और इंद्रपाल साहू के साथ सीमांत चौरसिया, सतीश राय सहित कुछ भाजपा नेता डरा धमका कर जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर आक्रोशित जय भीम सेना ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इसका पुरजोर विरोध किया और प्रशासन से आवेदकों को न्याय दिलाने की मांग की। शनि मंदिर के पास निवासरत रविदास समाज अनुसूचित जाति के परिवार के लोगों का आरोप है कि उन लोगों के साथ में वहां के जीत सिंह यादव, इंद्रपाल साहू, सीमांत चौरसिया, सतीश राय, प्रताप कुशवाहा और भाजपा के नेता और SDM साहब और तहसीलदार महोदय और न्यूटन चौकी प्रभारी के द्वारा सभी लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि आपकी जो जमीन है वो पीछे है और उनको वहाँ बेदखल करने की पूरी कार्रवाई की जा रही है और साजिश की जा रही है। एक साल पहले उनने तहसील ऑफिस और SDM ऑफिस में आवेदन भी लगा चुके हैं, आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ और उसके बाद में भी उनके पास जाते हैं तो उनको बोलते हैं ठीक है हम कर रहे हैं। एक रविदास समाज अनुसूचित जाति के भाजपा की सरकार में कितने परिवार हैं ये बताइए? चार परिवार उनकी जमीन पे कब्जा किया, उनकी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है या उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, खुद का मकान बना रहे हैं। हमारी मांग है कि तुरंत जो SDM कोर्ट में जो स्टे लगा हुआ है एक साल पहले से उसको पहले हटाया जाए तत्काल। दूसरी बात, वहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है मंदिर का ट्रस्टी उन लोग खुद रहेंगे, जिनकी जमीन में है वो खुद रहेंगे और उनको वहाँ पे डायर धमकाए ना जाए। जमीन उनकी है या दस्तावेज? हाँ, जमीन उनकी है, दस्तावेज हमारे पास है।
दस्तावेज। आपका नाम? शिवम पहाड़े, जय भीम सेना, जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा। जो बना हुआ है वो हमारी जमीन में बना और हम ही लोग ने निर्माण किया, कार्य किए उसका पहले, और उसी के मतलब हम ही लोग उसका पहले हम ही लोग संचालित कर रहे थे, पर बाद में ये लोग भंडारे के तौर पे आए उस मंदिर में और उस मंदिर को इन्होंने अपने इसमें ले लिया। अब हमारा जब हम मकान बना रहे थे, जब भी हमको स्टे ऑर्डर दे दी थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, फिर हमने उसके लिए लड़ाई लड़े, फिर फॉरेस्ट का हटा, तब हमारा 314 की खसरा नक्शा से हमारा वो मकान बना। अब दूसरी बार बनाने भी दूसरा परिवार तो उनके साथ भी स्टे दे दिए और अतिक्रमण का हमको वो लगा के। कितने साल हो गए समस्या से जूझते? 2006 से चल रहा है। और अभी तक कोई और वो जो मंदिर का लास्ट की जो मंदिर का कॉर्नर है वो हमारी जमीन में, उसको वो सरकारी में घोषित करना चाह रहे, इसलिए वो लोग वहाँ तक के लिए हमको बेदखल करना चाह रहे हैं। नगर निगम द्वारा शहर में सर्वेक्षण रैली निकालकर शहर के सभी सुलभ शौचालयों का सर्वेक्षण किया गया। वहीं सभी दुकानदारों से डिस्पोजल पर प्लास्टिक न रखने की अपील की गई, साथ ही स्वच्छता के लिए शपथ दिलाई गई। इस रैली में महापौर विक्रम आहगे भी शामिल हुए। आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर शौचालय भ्रमण, शौचालय की साफ सफाई व्यवस्थाओं को लेकर आज यह रैली निकाली गई, जिसपे हमारे सभी स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता के साथ ही जोन प्रभारी और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा शहर की व्यवस्थाएँ देखकर हम संतुष्ट हैं। छिंदवाड़ा का प्रत्येक नागरिक छिंदवाड़ा को स्वच्छ बनाने के लिए हमारे नगर निगम की पूरी टीम छिंदवाड़ा को, शहर को स्वच्छ रखने के लिए निरंतर काम कर रही है और थोड़ा और सुधार करने की आवश्यकता है। जहां हमें कमी पाई गई वहां दुकानदारों को फटकार लगाई गई कि प्लास्टिक का यूज़ ना करें, डस्टबिन रखें, इस तरीके से रखें। आपके द्वारा प्रमाण पत्र भी वितरित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर कोई अच्छा काम करता है तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और हमने भी आज जो शौचालय पहुँचे वहाँ प्राइवेट बस स्टैंड, राजीव गांधी बस स्टैंड में और मानसरोवर के सामने, यहाँ के जो संचालक हैं उन्हें अच्छा काम के लिए प्रोत्साहित किया। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE अफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 acres, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध, एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE अफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
सत्कार हीरो परासिया रोड छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब पढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर जिला जेल छिंदवाड़ा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा के सौजन्य से योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यजुवेंद्र बाघमारे, जेल अधीक्षक विजय खोपरागरे, जिला विधिक सेवा अधिकारी एवं ज्ञानांशु भारतीय, उप अधीक्षक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी, जेल स्टाफ एवं आर्ट ऑफ लिविंग के योगा प्रशिक्षक उपस्थित रहे। इस अवसर पर कैदी भाइयों को आर्ट ऑफ लिविंग छिंदवाड़ा के योगा प्रशिक्षकों द्वारा योगा कराया गया। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश राजपत्रित पशु चिकित्सा संघ के जिला अध्यक्ष हेतु चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें नरसिंहपुर के पर्यवेक्षक डॉक्टर पीके शर्मा एवं डॉक्टर बीके मुड़िया के समक्ष सर्वसहमति से जिला अध्यक्ष चुना गया। इसी तरह डॉक्टर एमके मौर्य एवं सचिव डॉक्टर पंकज माहौरे और कोषाध्यक्ष पद हेतु डॉक्टर नेहा साहू को चुना गया। इस अवसर पर राजपत्रित पशु चिकित्सा संघ के चुनाव में छिंदवाड़ा जिले के समस्त पशु चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। सर इधर देखिए आप। प्रांतीय राजपत्रित अधिकारी पशु चिकित्सा संघ का मनोनयन हुआ अध्यक्ष का और कार्यकारिणी गठित हुई है, जिसमें मुझे मध्य प्रदेश से जिला छिंदवाड़ा का अध्यक्ष मनोनयन किया गया और दायित्व सौंपा गया है। हमारे आदरणीय डॉक्टर पंकज महारे को सचिव और डॉक्टर नेहा साहू को कोषाध्यक्ष का मनोनयन किया है। ये संघ पूरे मध्य प्रदेश में कार्य करता है और पशु चिकित्सकों की जो भी कमियां हैं या समस्या है उनको पूरा करने के लिए कटिबद्ध रहता है। हमारे पशु चिकित्सक के साथ जो भी हमारे इस संघ से संलग्न हैं उनका सभी का पूरा ध्यान रखा जाता है। एवीएफओ संघ भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उनके साथ साथ मिलकर हम इसकी कार्रवाई करते हैं और प्रांत स्तर पर हमारी परेशानियों को आदान प्रदान करके उसका निराकरण कराते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज नरसिंहपुर से हमारे एबीपीओ आदरणीय पीके शर्मा साहब और डॉक्टर मुड़िया यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जो पर्यवेक्षक के रूप में आए हुए थे, उनके समक्ष यह मनोनयन किया गया है और आज का यह चुनाव संपन्न कराया गया। वार्ड नंबर 23 के पार्षद जगदीश गोदरे का जन्मदिन धूमधाम से बुधवार को मनाया गया। इस अवसर पर श्री नवशक्ति हनुमान मंदिर समिति द्वारा केक काटा गया और पार्षद जगदीश गोदरे के लिए हनुमान जी से लंबी आयु की कामना की गई। इस दौरान जोरदार आतिशबाजी भी की गई, मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर मनीष यादव, गोलू रघुवंशी, विनोद यादव, सुनील असराठी, मुकेश कसार, गोलू असराठी, लालू यदुवंशी एवं संदीप जैन उपस्थित थे। आज वार्ड पार्षद जगदीश गोदरे शक्ति चौक के हनुमान मंदिर समिति के समस्त सदस्यों का तहे दिल से आभारी हूँ और इन सभी नवयुवक और बुजुर्गों का, माता बहनों का, बच्चों का मैं आभारी हूँ कि मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में हनुमान मंदिर समिति के द्वारा मेरा जो सम्मान किया गया है, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और इस वार्ड के लिए जितना भी बन सकेगा सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा और मेरे दिल से खास करके इस मंडल की समिति के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हनुमान जी उनके धन दान से भरपूर करेंगे, दीर्घायु बनाए रखे और उनको सद्बुद्धि दे के आगे अच्छे कर्म करने के साथ आपकी सेवा में भगवान जी, हनुमान जी आपकी सेवा में सारा मंडल और सारे सदस्य लोग जुड़े रहें और सारी बुराइयों से दूर होकर आपके चरणों की सेवा प्राप्त करते रहें। मैं बहुत दिल से एक बार फिर तह दिल से मैं पार्षद होने के नाते मैं आप सारे समिति वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरा जो सम्मान किया गया है उसके लिए मैं समस्त समिति और माताओं बहनों बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।
कुसमेली में महात्मा गांधी वार्ड नंबर 16 में सभी ग्रामवासियों के सहयोग से नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई। इस अवसर पर हवन पूजन और महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया, साथ ही कलश यात्रा भी निकाली गई एवं संपूर्ण पूजन भागवत भ्रमर पंडित निशांत कृष्ण शास्त्री एवं प्रशांत कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा करवाया गया। नमस्ते महादेवाय धीमहि मेहरौनी में ज्ञान तीर्थ पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर के मार्गदर्शन में चल रहे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पर बाल तीर्थंकर नेमी प्रभु को पालना चलाया गया। सकल जैन समाज सहित नगरवासियों ने पालना झुलाकर जन्म कल्याणक की खुशियां मना के और सभी को जन्म कल्याणक की मंगलमय बधाई दी। महोत्सव के मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने जानकारी दी कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के सदस्य उपस्थित थे। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मंगलमय सुप्रभात। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी ललितपुर के मेहरौनी नगर में ये हमारा नेमीनाथ पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी कुशल मार्गदर्शन में और ढाई दीप के साथ में ज्ञान तीर्थ टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के संयुक्त तत्वधान में ये आयोजन हो रहा है। आज हमने बाल तीर्थंकर का नेमी प्रभु का मंगलकारी जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया, संध्या की वेला पे बधाई गीत गाए और पालना झुलाकर तीन लोक के नाथ जो हमें मुक्ति का मार्ग बताते हैं उन्हें शुभकामनाएं दी जन्म कल्याणक की। यह जन्म कल्याणक हमारे मुक्ति का मार्ग बने इसी पवित्र भावना के साथ में आदरणीय राजेंद्र कुमार जी पंडित साहब जबलपुर और डॉक्टर मनीष जी जैन साहब मेरठ के श्रीमुख से हमने माँ जिनवाणी का रसा स्वादन किया। बहुत ही उत्साह है मेहरौनी नगर में, सादर में वात्सल जबरदस्त है और साथ में यहाँ के एक एक नागरिक आवाल गोपाल महिला मंडल बालिका मंडल अष्ट देवियाँ और जितनी महोत्सव समिति के लोग हैं सुंदर व्यवस्था किया, साथ में एक एक सादर्मियों को इतना प्रेम और वात्सल दे रहा है। इसी से लगता है कि पंचम काल के अंत तक जिन शासन टिका रहेगा और इन सब के सफल आयोजन के लिए मैं सकल जैन समाज के साथ में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन सर्वोदय अहिंसा और मुमुक्षु मंडल की ओर से मेहरौनी के सादर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए अंत में समेटते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा, रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा, लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर में जगह जगह हुए कार्यक्रम, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी की शिरकत। धूमधाम से मनाया गया जिले के सांसद नकुलनाथ का जन्मदिन, कांग्रेस भवन में काटा गया केक तो कार्यकर्ताओं ने जगह जगह सेलिब्रेट की सालगिरह।
शहर के बजरंग नगर में जुए की फड़ पकड़ाई, तेहा थाना पुलिस ने मारी रेड, 5 लाख का माल जब्त। और शहर के आरोग्य हॉस्पिटल में कैजुअलिटी मरीजों के लिए शुरू की गई इमरजेंसी ट्रामा सुविधाएं, अब गंभीर मरीजों को नहीं होना होगा परेशान। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें, कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।